गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो 12th चैप्टर है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसका सेकंड प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 12.2। इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। पहले क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन फॉर्म करना होता है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। सो इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस से 12.1 में भी कर चुके हैं, तो जो हमारी प्रैक्टिस है उसका यूज करके यहां पर भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्या कंडीशन उसमें दिए हैं उसको अच्छे से समझना होगा और उस कंडीशन का यूज करके हमें इक्वेशन फॉर्म करने होंगे। तो चलो पहला सम शुरू करते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग भी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो। क्वेश्चन वन, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। सिंपल क्वेश्चन है, मदर और सन्स के एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमें सन का एज फाइंड करना है। तो हम जो एज हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स ईयर्स कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर दैट सन्स प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स और फिर आगे का जो कंडीशंस दिए हैं उससे हमें मदर का एज मिलेगा। अब मदर का जो एज है वो सन के एज से 25 ईयर्स ज्यादा है, ऐसा बोला है। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, यानी मदर 25 ईयर ओल्डर है तो मदर का एज 25 ईयर ज्यादा हो जाएगा। तो सन का एज हम कितना कंसिडर करने वाले हैं, एक्स। तो मदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25। सन के एज में 25 ऐड करने पड़ेंगे, एक्स प्लस 25। तो मदर का एज एक्स प्लस 25 हो जाएगा और सन का एज एक्स हम कंसिडर करने वाले। तो इस तरह से हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस मिल जाएंगे। फिर आगे आफ्टर 8 ईयर्स ऐसा बोला है, तो दोनों के 8 ईयर्स के नेक्स्ट वाले एजेस हमको फाइंड करने पड़ेंगे और उनसे रिलेटेड हमें कंडीशन दिया है तो उससे हमें इक्वेशन मिलेगा। तो चलो मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन सॉल्यूशन, लेट सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। जिसका एज हमें फाइंड करना है उसका एज हमने एक्स ईयर कंसिडर कर लिया। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, मदर्स प्रेजेंट एज, इज। अब मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, क्या बोला है, क्या कंडीशन दिया है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। तो मदर 25 ईयर ज्यादा है उसका एज, तो मदर का एज हो जाएगा सन से एज से 25 ईयर ज्यादा, यानी एक्स प्लस 25 ईयर्स। सो मदर्स प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 25 ईयर्स। तो दोनों के प्रेजेंट एजेस हमको मिल गए, सन का एक्स, मदर का एक्स प्लस 25। अब आगे हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो कंडीशन दिया है वो 8 इयर्स हेंस वाले जो एजेस है उससे रिलेटेड है, तो हम दोनों के 8 इयर्स हेंस वाले एजेस फाइंड करेंगे, यानी आफ्टर 8 इयर्स। नाउ आफ्टर 8 इयर्स, दोनों के 8 इयर्स के आफ्टर वाले एजेस हम फाइंड करेंगे। अब देखो सन का आज का एज एक्स है तो 8 इयर्स के आफ्टर कितना हो जाएगा, उसमें 8 ऐड हो जाएंगे, यानी x प्लस 8 इयर्स होगा इसका एज, सन का एज। सो आफ्टर 8 इयर्स सन्स एज इज इक्वल टू, देखो आज का प्रेजेंट एज उसका सन का x है और आफ्टर 8 इयर्स हम फाइंड कर रहे हैं उसमें 8 ऐड हो जाएंगे, तो आफ्टर 8 इयर्स सन्स एज विल बिकम x प्लस 8 इयर्स एंड मदर्स एज आफ्टर 8 इयर्स मदर्स एज, मदर का आज का एज कितना है, एक्स प्लस 25। अब
8 इयर्स के बाद उसमें 8 इयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो ये आज का एज उसमें 8 इयर्स ऐड हो गए, तो दोनों का एडिशन करेंगे, x प्लस 25 प्लस 8 दैट इज 33, तो ये x प्लस 33 इयर्स आ गया, यानी मदर्स एज आफ्टर 8 इयर्स x प्लस 33 इयर्स। तो देखो शुरू में हमने प्रेजेंट एजेस दोनों के फाइंड किए थे, अभी हमने दोनों के एजेस फाइंड किए, लेकिन वो कौन से एजेस फाइंड किए, आफ्टर 8 इयर्स। और हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो कंडीशन दिया है वो यही एजेस के बारे में दिया है, आफ्टर 8 इयर्स के एजेस जो है वो जो एजेस है उसके बारे में हमें कंडीशन दिया है। अब आगे कंडीशन क्या दिया है, हाँ इसके बाद अभी हम कंडीशन यूज करेंगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन अब कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ के हम समझेंगे। आफ्टर 8 इयर्स रेशियो, वी आर गिवन द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9, यानी सन्स एज अपॉन मदर्स एज इज इक्वल टू 4:9। इस तरह से हमें इक्वेशन फॉर्म होगा, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी आर गिवन द रेशियो सन्स एज अपॉन मदर्स एज इज इक्वल टू, रेशियो दिया है 4:9, ये 4:9 को हम रेशियो कहते हैं, तो इधर दोनों के एजेस का रेशियो इक्वल टू 4:9, ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अब सन्स एज कितना है, हाँ ये जो कंडीशन है वो आफ्टर 8 इयर्स वाले एजेस से रिलेटेड है, तो हम यहां पर जो एजेस लेंगे वो आफ्टर 8 इयर्स वाले एजेस लेंगे। तो सन्स एज कितना है, एक्स प्लस 8 यहां पर हमने फाइंड किया है, अपॉन मदर्स एज कितना है, आफ्टर 8 इयर्स मदर्स एज इज एक्स प्लस 33, तो ये मदर्स एज इक्वल टू आर एजेस एज इट इज 4:9। तो देखो हमें इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी इस एक्सरसाइज में हमें यही मेन काम करना है, गिवन कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस तो हम 12.1 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, तो उसका यूज करके वो जो हमारा नॉलेज है इक्वेशन सॉल्व करने का उसका यूज करके अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू मिलने से हमारा आंसर आ जाएगा, हमको सन का एज फाइंड करने के लिए बोला है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो सन का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। तो चलो इसके आगे अभी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये 9 से 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये नेक्स्ट स्टेप फाइंड किया। अब आगे का मैं उधर ऊपर के साइड में लिखता हूं ये इक्वेशन। अब 9 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 9 इंटू एक्स दैट इज 9x प्लस 9 इंटू 8, 9x कितना होता है, 9x 72, तो 9x प्लस 72 ये LHS में आ गया। अब उसी तरह से RHS में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस, ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस, अब 4 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 3 12, अब 12 लिख दिया, कैरी 1, अगेन 4 3 12 और कैरी 1 आया है, तो 12 प्लस 1 13, तो यहां पर 13 आ गया। तो इस तरह से 4 से 33 को हम मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेशन आ गया 132। बहुत केयरफुली हमें करना होता है। अब आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब ये वेरिएबल्स एक साइड को ट्रांसफर करेंगे LHS को, और ये कॉन्स्टेंट्स, ये जो है कॉन्स्टेंट्स, ये RHS को ट्रांसफर करेंगे, और ये वेरिएबल्स LHS को ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से हमें इक्वेशन आगे सॉल्व करना होता है, यानी एक्स के टर्म्स LHS में और कॉन्स्टेंट टर्म्स RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा फिर आगे, ये 9x एज इट इज और ये 4x LHS में आएंगे, तो ये 4x प्लस है, तो LHS में आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 4x इक्वल टू ये 132 एज इट इज। अब ये 72 हमें RHS में लेके जाने हैं, इधर प्लस है तो RHS में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इस तरह से 9x माइनस 4x इक्वल टू 132 माइनस 72। अब आगे 9x माइनस 4x कितना आएगा, 5x
इक्वल टू 132 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 2 जीरो। अब 13 माइनस 7 करना पड़ेगा, 13 माइनस 7 6 और ये 1 माइनस 1 जीरो, मतलब यहां पर अभी कुछ नहीं, 13 यहां कंसिडर करने से 60, 132 माइनस 72 करेंगे तो 60 आ गए। अब आगे सॉल्व करो, ये 5 आ गई, आरएसएस में ट्रांसफर करके तो डिनोमीटर में जाएंगे तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 होंगे, और 5 से 60 को डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 5 1 5, हां 5 से 60 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमीटर में 5 1 5, न्यूमरेटर में 5 1 5, 6 में से 5 जाने से 1 रह गया, 10 हो गया, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। चलो इक्वेशन सॉल्व करने से हमको हमेशा x की वैल्यू मिल गई, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब हमें देखना है क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द सन्स एज, सन का प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है, सन का प्रेजेंट एज हमने कितना कंसीडर किया हुआ है x, तो x की वैल्यू आ गई यानी सन का एज आ गया, यानी हम लिख सकते हैं आंसर, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज 12 इयर्स। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बस यहां पर हमें सन्स एज ही फाइंड करने के लिए बोला था, मदर का एज फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, तो जो फाइंड करने के लिए बोला था वो आ गया, हमारा आंसर भी आ गया। इस तरह से बहुत इजीली हम सम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं, और सेकंड एग्जांपल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जैसे पहले वाला एग्जांपल एजेस से रिलेटेड था वैसा ये सेकंड एग्जांपल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और उससे रिलेटेड कंडीशंस होते हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, एग्जांपल नंबर 2। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2 फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो ऐसे सम में हम न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर हमें मिलेगा, और फिर जो कंडीशन दिया है उसका अप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी, और फिर उसे न्यूमरेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा, और फिर हमें फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। तो चलो यहां पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 मोर है, तो हमें कंसिडर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कंसिडर करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को हम x कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर दैट लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, तो न्यूमरेटर x कंसिडर करेंगे, तो डिनोमिनेटर उससे 12 मोर है, 12 ज्यादा है, यानी डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, फिर न्यूमरेटर में 12 ऐड करने पड़ेंगे, न्यूमरेटर कितना लिया हमने x, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा x प्लस 12, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 मोर है, ग्रेटर है, तो इस तरह से न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर x प्लस 12 मिल जाएगा, फिर हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो इस तरह से ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा x अपॉन x प्लस 12, और फिर आगे का जो कंडीशन उन्होंने दिया है उसका यूज करके फिर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलो आंसर लिखना मैं शुरू करता हूं, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, यहां पर हम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कंसिडर करने वाले हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, न्यूमरेटर हमने एक्स कंसिडर किया, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ क्या कंडीशन है डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 मोर है, तो न्यूमरेटर x लिया है तो उसमें 12 ऐड करने पड़ेंगे तो डिनोमिनेटर मिलेगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू x प्लस 12, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर भी आ गया x, डिनोमिनेटर भी आ गया x प्लस 12, तो हम अभी फ्रैक्शन लिखेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन
इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 12, तो ये x अपॉन x प्लस 12 ये आ गया हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आगे कंडीशन यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कंडीशन क्या दिया है, अब देखो मैं कंडीशन पढ़ता हूं, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर 2 से डिक्रीज किया, ये न्यूमरेटर है हाँ, देखो अभी पहले मैं यहां लिख लेता हूं, नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये कंडीशन अभी हम इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। गिवन कंडीशन हमें इक्वेशन मिलेगा, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 हमें बोला है क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 2, पहला न्यूमरेटर हमारा x था उसको 2 से डिक्रीज किया तो नया न्यूमरेटर बन गया x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या बोला है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो ये हमारा पहला डिनोमिनेटर x प्लस 12 और उसको इंक्रीज किया बाय 7, तो ये नया डिनोमिनेटर बन गया x प्लस 12 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, दिस न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, यानी इसका वैल्यू 1/2 दिया है। तो इस तरह से फ्रॉम गिवन कंडीशन हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और फिर x की वैल्यू मिलने से न्यूमरेटर मिल जाएगा, फिर डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा और फिर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन भी मिल जाएगा और वही हमें फाइंड करना है। तो इसके बाद अभी हमारा आंसर का सेकेंड पार्ट शुरू होगा, पहले पार्ट में हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया, अब इसको सॉल्व करने का पार्ट यहां से शुरू होगा। देखो इसको अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये x माइनस 2 न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये 12 और 7 का एडिशन कर लेंगे, तो ये x प्लस 12 प्लस 7 कितना होगा 19 इक्वल टू 1/2। ओके अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप। अब इसके बाद LHS में इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x माइनस 2 टू द 4 इक्वल टू RHS में 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा x प्लस 19, दैट इज 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 19 19। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप भी हो गया। अब इसके बाद x वाले टर्म्स हम LHS में ट्रांसफर करेंगे और ये कॉन्स्टेंट टर्म्स माइनस 4 और 19 इनको RHS में रखेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टर्म स्टेप अभी इसके बाद करेंगे, ये 2x एज इट इज और ये x को LHS में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्लस x है तो LHS में आके माइनस x हो जाएंगे इक्वल टू ये 19 एज इट इज और ये माइनस 4 को RHS में ट्रांसफर करना है तो माइनस 4 RHS में जाके प्लस 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2x माइनस x यानी x की टर्म्स LHS में आ गई और ये कॉन्स्टेंट टर्म्स RHS में चले गए। अब इसके आगे 2x माइनस x इसका सब्ट्रैक्शन आएगा x, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x यानी LHS में आएंगे x इक्वल टू RHS में 19 प्लस 4, 19 प्लस 4 होंगे 23। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते करते हमको x की वैल्यू आ गई, x आ गई यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर हमने x कंसीडर किया है तो न्यूमरेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 12, तो इसके बाद हम x प्लस 12 का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 23 देयरफॉर x प्लस 12 क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 12 है तो x प्लस 12 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x की वैल्यू कितनी है 23 प्लस ये 12 और दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 एंड 2 प्लस 1 3। इस तरह से x प्लस 12 का वैल्यू आ गया 35 और x प्लस 12 का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर है और x का वैल्यू यानी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गए। तो इसका यूज करके फिर अभी हम ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, वही हमें फाइंड करना है एंड देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइनल आंसर, ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 हमने मिला हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 23 अपॉन एक्स प्लस 12 का वैल्यू 35। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
यही हमें फाइंड करना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना था, और ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया 23/35। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हमें रेशियो दिया है, रेशियो का यूज करके इक्वेशन बनेगा। अब यहां पर हमें कॉपर जिंक का जो एलॉय होता है यानी मिक्सचर, उसको हम ब्रास बोलते हैं, उससे रिलेटेड सम है। कॉपर और जिंक मिला के जो ब्रास बनता है उससे रिलेटेड सम है, ठीक है। तो ब्रास में कुछ पार्ट कॉपर का होता है, कुछ पार्ट जिंक का होता है, तो उसका रेशियो हमें दिया है। एक ब्रास यूटेंसिल का सम है, उसमें कॉपर का हिस्सा कितना है, जिंक का हिस्सा कितना है, उसका रेशियो दिया है और उससे रिलेटेड कुछ डाटा दिया है, और फिर वो उससे हमें इक्वेशन बनेगा और उसका सॉल्व करके हमें इसमें खास करके जिंक का वेट फाइंड करना है। तो देखो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उससे हमें पूरा सम समझ में आ जाएगा, फिर हम इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो देखो ब्रास यानी मैंने बता दिया कॉपर और जिंक का मिक्सचर यानी अलॉय होता है। तो ये जो ब्रास यहां पर हमें इस सम में दिया है उसमें कॉपर का हिस्सा 13 है, 13 टाइम्स है, और जिंक का हिस्सा 7 टाइम्स है। तो हम वो जो ब्रास है उसमें वेट ऑफ कॉपर 13x कंसीडर करेंगे, वो जो रेशियो है उसका कॉमन मल्टीपल x लेंगे, वेट ऑफ कॉपर 13x ग्राम कंसीडर करेंगे और जिंक का वेट 7x ग्राम कंसीडर करेंगे। तो टोटल जो ब्रास का वेट हो जाएगा वो 13x प्लस 7x हो जाएगा, और वो टोटल ब्रास का वेट हमें कितना दिया है आगे लास्ट में 700 ग्राम दिया है। तो लास्ट में हमारा इक्वेशन बनेगा 13x प्लस 7x इक्वल टू 700, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू मिलेगा, और फिर हमें लास्ट में कौन सा वेट फाइंड करना है, जिंक का, तो जिंक का वेट हमें मिल जाएगा x का वैल्यू का यूज करके। तो इस तरह से ये भी बहुत सिंपल आंसर है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन में पहला सेंटेंस दिया है उसको एज इट इज आंसर में लिखेंगे। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। ये जो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन का है वो आंसर में एज इट इज लिखेंगे। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बनता है, तो ब्रास का कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 13:7 है। दिस इज द सेंटेंस गिवन इन आवर क्वेश्चन। अब इसमें इससे हम कॉपर का वेट 13x कंसीडर करेंगे। लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x ग्राम, यानी ये जो रेशियो है इसका कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया, तो कॉपर का वेट 13x हो गया, तो जिंक का वेट कितना हो जाएगा 7x, एंड देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज 7x ग्राम। तो इस तरह से हमें कॉपर और जिंक का वेट मिल गया। अब हमें टोटल वेट कितना दिया है, ब्रास का टोटल वेट दिया है 700 ग्राम, यानी ये 13x प्लस 7x का एडिशन हम 700 ग्राम ले सकते हैं। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अभी वो जो सेकंड वेट दिया है उसका यूज करके हमें इक्वेशन बनेगा। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन इक्वल टू क्या होगा, 13x यानी कॉपर का वेट प्लस 7x यानी जिंक का वेट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ दैट ब्रास, और टोटल वेट ऑफ ब्रास कितना लिया है
700 ग्राम। तो इस तरह से 13x प्लस 7x इक्वल टू 700 हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको यानी इक्वेशन बन गया यानी हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, इक्वेशन फॉर्मेशन तक आधा पार्ट हमारा आंसर का हो जाता है। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा और फिर हमें जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। इसमें देखो हमें जिंक का वेट फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ जिंक बोला है। तो चलो इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 13x प्लस 7x का एडिशन होगा, दैट इज 20x इक्वल टू 700 एज इट इज। आगे ये 20 आरएस में जाएगा तो 700 अपॉन 20 होगा, इधर 20x है तो x के मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिनोमीटर में जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल करेंगे तो रहेगा 70 अपॉन 2 रहेगा, 0 0 कट करने से। अब 2 से 70 को डिवाइड करते हैं, 2 1 2 ऊपर में, 2 3 6 1 रहने से 10 हो गया, 2 5 10 35 अपॉन 1 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 35, तो एक्स इक्वल टू 35 आ गया। अब हमको वेट ऑफ जिंक फाइंड करना है तो जिंक का वेट कितना है 7x, इसलिए आगे लिखते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना है 7x, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 35, यानी 7 से 35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 फाइजा 35 कैरी 3, 7 थ्रीजा 21, 21 प्लस कैरी 3 आया है दैट इज 24, तो ये आ गया वेट ऑफ जिंक 245 ग्राम। सब क्वेश्चन का डाटा हमें ग्राम में दिया है एंड देयरफॉर वेट ऑफ जिंक हमें फाइंड करना था, वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल। तो फाइनल और एक बार लिख सकते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। ग्राम के लिए जी यूज कर सकते हैं या जीएम यूज कर सकते हैं। सो वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इतना ही काम करना था, सिंपल से हमको ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो दिया था 13:7, उससे हमने कॉपर और जिंक का वेट हमें मिल गया, रेशियो का कॉमन मल्टीपल एक्स लेके, और फिर टोटल ब्रास का वेट 700 दिया था, तो कॉपर और जिंक का एडिशन करके ब्रास का वेट मिल गया और इस तरह से इक्वेशन बन गया और इजी इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई और इस तरह से जिंक का वेट भी हमें मिल गया। तो इसके साथ ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। चलो अभी फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें समझ में आता है कि यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, पहला होल नंबर अगर हमने एक्स लिया तो दूसरा एक्स प्लस 1 ले सकते हैं और तीसरा x प्लस 2 ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स में एक का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2 कंसिडर करेंगे और उसके बारे में कंडीशन जो दिया है उसका यूज करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ दोस 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। यानी यहां पर हमें दो पॉसिबिलिटीज कंसीडर करके दो अलग अलग इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और दोनों के इक्वेशन सॉल्व करके वो हमें कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स मिलेंगे। पहले पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके अलग 3 नंबर्स मिलेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके अलग 3 नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें वो आंसर आने वाला है। तो देखो मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं, सिंपल है। पहले हम वो 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कंसीडर करेंगे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स बी एक्स, पहला एक्स लिया तो दूसरा लेना एक्स प्लस 1 एंड तीसरा लेंगे एक्स प्लस 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स में एक का डिफरेंस होता है, पहला एक्स लिया तो दूसरा उससे एक से ज्यादा, फिर उससे और एक से ज्यादा,
तो इस तरह से थ्री कॉन्जिक्यूट होल नंबर सम कंसिडर करने हैं, तो एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू कंसिडर करने होते हैं। उसके बाद अभी कंडीशन दिया है उनकी सम से रिलेटेड, उसका यूज करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब क्या कंडीशन दिया है, देयर सम इज मोर देन 45, ये जो थ्री होल नंबर है इनकी सम इज मोर देन 45, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन पहला इक्वेशन बन रहा है एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, हाँ ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये तीनों की एडिशन सम इज मोर ग्रेटर देन 45, इस तरह से पहला कंडीशन यूज करके ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम तीन नंबर्स फाइंड करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट्स 1 एंड 2, इनका भी एडिशन करेंगे तो आएगा 3, तो LHS का एडिशन आ गया 3x प्लस 3 इज मोर देन 45। अब इसी तरह से यहां पर कंडीशन दिया है, मोर देन का सिंबल यहां पर यूज करना पड़ेगा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 को RHS में ट्रांसफर करते हैं, 3x इज मोर देन 45, अब ये LHS का RHS में जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस होगा, तो प्लस 3 का RHS में जाएगा माइनस 3 हो गया, देयरफॉर 3x इज मोर देन 45 माइनस 3 करेंगे तो 42। उसके बाद ये 3 को भी RHS में ट्रांसफर करते हैं तो x इज मोर देन 45 अपॉन 3, ये 3 डिनोमिनेटर में चले गए, अब देयरफॉर x इज मोर देन 3 से 42 को डिवाइड करो, ये 3 वन जा 3, ऊपर में भी 3 वन जा 3, 1 इज रिमेनिंग 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो 14 अपॉन 12 यानी 14 आ गया, तो x इज मोर देन 14 आ गया जाएगा, एंड देयरफॉर हम यहां पर ले सकते हैं x इक्वल टू 15, फिर उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर कितना आएगा, x प्लस 1, दैट इज 15 प्लस 1 दैट इज 16, एंड तीसरा होल नंबर x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू हम 15 ले रहे हैं, 15 प्लस 2 यानी 17। तो ये जो हमारी कंडीशन का पहला पार्ट है, देयर सम इज मोर देन 45, इस कंडीशन को कंसिडर करके हमने जो इक्वेशन बनाया उसको सॉल्व करके वो तीनों होल नंबर आ गए 15, 16 एंड 17, बट उन्होंने बोला है देयर सम इज लेस देन 54, ये जो कंडीशन है उसमें और एक पार्ट दिया है तो उसको भी कंसीडर हमें करना पड़ेगा। और अभी ये आगे हमें और हाँ वो तीनों नंबर्स जो होल नंबर्स है वो ये भी हो सकते हैं, या दूसरा जो पार्ट है उसमें देयर सम इज लेस देन 54 उसको कंसीडर करके भी वो तीनों अलग नंबर्स हमें मिल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देयर सम इज एक्स एक्स प्लस 1, ये जो तीन नंबर्स है एक्स प्लस 2, देयर सम इज लेस देन 54 बोला है। देखो कंडीशन में और एक बार आपको बताता हूं, वो जो कंडीशन था क्वेश्चन में क्या था, द सम ऑफ दोस थ्री होल नंबर्स इज मोर देन 45 बट लेस देन 54, तो ये मोर देन 45 वाला हमने कंडीशन पहले लिया, उससे हमें ये तीन नंबर्स मिल गए। अभी बट लेस देन 54 का भी कंडीशन हम कंसीडर करके दूसरा एक इक्वेशन बना रहे और उसको भी सॉल्व कर रहे, उससे भी हमें और तीन नंबर्स मिलेंगे। तो ये बट लेस देन 54 वाला जो उसमें पार्ट था उससे ये इक्वेशन मिल गया, देयर सम इज लेस देन 54। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, यहां पर भी x प्लस x प्लस x यानी 3x और ये 1 प्लस 2 यानी 3 इज लेस देन, यहां पर मोर देन था यहां पर लेस देन 54। अब आगे 3x ये प्लस 3 को RHS में ट्रांसफर करो, लेस देन 54 माइनस 3 हो जाएंगे, दैट इज 3x इज लेस देन 54 माइनस 3 करेंगे तो 51। फिर ये x को भी RHS में ट्रांसफर करो, इधर ओनली x रह जाएगा, x इज लेस देन 51, ये 3 डिनोमिनेटर में जाके डिनोमिनेटर में जाएंगे, और फिर 3 से 51 को कट करो, ये 3 वन जा 3, ऊपर में न्यूमरेटर में 3 वन जा 3, 5 में से 3 है 2 रह गए, 21 हो गए, 3 से 1 जा 21, तो कितना आ गया 17 अपॉन 1, यानी x इज लेस देन 17, यानी x का वैल्यू लेस देन 17 है। अब लेस देन 17 कौन सा होल नंबर होता है, 16 होता है, एंड देयरफॉर x इक्वल टू हम यहां पर लेंगे 16, तो पहला होल नंबर हमें मिल रहा है लेस देन 17 है पहला होल नंबर, तो लेस देन 17 यानी 16। उसके बाद दूसरा होल नंबर
एक्स प्लस वन है यानी 16 प्लस वन यानी दूसरा होल नंबर 16 आ गया और तीसरा होल नंबर कितना आएगा x प्लस टू, x का वैल्यू 16 लिया प्लस टू यानी 18 आ गया। तो इस तरह से ये जो हमारा कंडीशन का सेकंड पार्ट हम जो ले रहे उसका यूज करके हमें जो नंबर्स मिल रहे वो 16, 17 और 18 मिल रहे और इधर 15, 16, 17 मिल रहे। तो दोनों आंसर्स यहां पर हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। वो जो तीन कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो या तो 15, 16, 17 है या 16, 17, 18 है। तो दोनों कंडीशन यूज करके हम फाइनल आंसर लिखेंगे एंड देयरफॉर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर, पहले कंडीशन से हमको मिल गए 15, 16, 17 और दूसरे कंडीशन से मिल गए 16, 17, 18। इस तरह से वो जो हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स फाइंड करने हैं वो या तो 15, 16, 17 है और 16, 17, 18 है। तो इस तरह से इस सब में जो कंडीशन दिया था वो इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज वाला दिया था। इस तरह से अलग अलग दो इक्वेशंस हमको यहां पर मिल गए और उससे दोनों अलग अलग आंसर्स आ गए। तो ये भी बहुत सिंपल सब था। इस तरह से हमारा ये फोर्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब इस प्रैक्टिस सेट के चार एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल से लेके जो आगे के सम से उसमें भी बहुत केयरफुली हमें काम करना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू डिजिट वाला एग्जाम्पल है तो इसके नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।